हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है पीपीएससी प्लानर के वाले से। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पीपीएससी प्लानर कैसे वर्क करता है और इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनका टेस्ट कब है, और बाज़ अवकात नंबर वन होने की वजह से टेस्ट डेट तो अनाउंस हो जाती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें पीपीएससी की तरफ से मैसेज नहीं मिलता और वो टेस्ट देने से रह जाते हैं और उनकी फीसिस भी लाए जाती हैं, टाइम भी लाया जाता है। तो इस वाले से आज हम देखते हैं कि पीपीएससी प्लानर जो है वो कैसे वर्क करता है, तो और आपको कहाँ से पता चलेगा कि क्या चल रहा है ना पीपीएससी में। तो सबसे पहले हमने गूगल में जाके सर्च करना है पीपीएससी प्लानर, ठीक है। तो ये आगे इसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होगी तो पहला ही जो बड़ा हुआ ना गूगल ने सर्च किया प्लानर 2023, इसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये एक शीट सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो बता रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर का एक टेस्ट है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है नंबर सेकंड पे आपको बता रहा है, फिर केस नंबर बताएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर बताएगा, किस महीने में एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डेट क्या थी और क्लोजिंग डेट इसकी क्या थी। साथ ही साथ आपको ये प्लानर बताता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर आपको ये वीडियो मिल रही है, आपसे गुजारिश है कि आप रिकमेंड भी करें कमेंट्स में कि अगली वीडियो कौन सी बनाई जाए, किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए, ताकि जितने भी सामीन हैं, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं लोग, वो मुस्तैद हो सकें। उसके बाद प्रोविंशियल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बताए जा रहे हैं, एग्जाम का आ गया। यहाँ पे जो है ना ये प्लान ये डेट अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाती है हफ्ता पहले कि प्लान डेट को आपका टेस्ट होना होगा, ठीक है। तो ये आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। ये सारी सीट्स नीचे जितनी भी है ना, ये 76 सीटें इस वक्त चल रही हैं, 76 तरह की प्रोसेस हो रही हैं, तो सभी के हवाले से प्लानर अपडेट होता रहता है गाहिब गाहिब। ये प्लान था, उसके बाद हेल्ड कब होता है, मुनक्कल कब होता है, वो डेट आ जाती है। एग्जाम की जब कितने देना होता है इन्होंने रिजल्ट, तो वो डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी जाती है कि प्लान डेट को यहाँ पे इसका टेस्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का टाइम होता है, वो कब तक करनी है, यहाँ पे उतारे होते हैं। अब इंटरव्यू की कॉल्स आ जाती हैं, लेटर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि हमारा प्लान ये है कि प्लान डेट से लेके हम प्लान डेट तक इंटरव्यू करेंगे, स्टार्ट डेट ये वाली है, इंटरव्यू एंडिंग डेट यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर करते हैं, रिमार्क्स में अभी ये चूंकि इन प्रोग्रेस है, अभी तो इसकी लास्ट डेट भी नहीं खत्म हुई ना, 15/9/2023 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लानर पे अपडेट इससे बाद में करेंगे, तकरीबन टेस्ट से एक महीना पहले, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, लास्ट अपडेट ये है कि जो कोर्स है वो फिल हो चुकी है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।